सारे नु जय मसीह प्रभु दिन आज तानु शब्द में स्वागत करता और सबनु हैप्पी न्यू ईयर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर तानु सबनु और प्रभु इस साल तानु बहुत सी आशीषा दवे बरकता दवे नहमता दवे प्रभु दा धन्यवाद करता प्रभु ने एक बारी फिर तो अपने वचन चो बोलने दा मौका दिता और सानु जीवित रखिया बीमारी तो बचा के रखिया अंधकार दी शैतानी शक्तियां तो बचाया एक्सीडेंट तो बचाया मौत तो बचाया कोरोना तो बचाया जेड़ा नवा वेरियंट आया उस तो भी बचाया हर एक तरह के कला कलेश तो बचाया इस गल प्रभु का हालेलुया प्रभु पला परमेश्वर है अनुग्रहकारी है और सचमुच साडे नाल प्यार करता है सचमुच सानू बचांदा है सचमुच साडी ओ जगह जगह ते राखी करता है और उन्हें अपने स्वर्ग दूतां नू साडे निमित की दिती आग्या दिती कि ओ सानू हथो हथ चुक लैणगे जिदे नाल साडे पैरां नू पत्थर ना ठेस नहीं परमेश्वर साडे नाल प्यार करदा परमेश्वर साडी गल गल ते राखी करदा सानू ओ गाइड करदा लेकिन परमेश्वर एक्सपेक्ट भी करदा साडे कोलो कि असी ओदे मन भाव दा वृक्ष बन जाइए जेड़ा बहुता है सफल लेके आता है हालेलुया ये साल 2022 है 2000 या 1900 या 1950 या 1960 कोई भी साल लगा लो किसे भी डिकेड तो कोई भी मनुष्य नु लगा लो जो साल का शुरुआत होंगी है पूरी तरह एनर्जेटिक पूरी तरह जोश नाल भरिया होया की कहंदा कि मैं इस साल ते नेरी बंद आवांगा मैं इस साल ते पूरा फुल ऑन काम करांगा मैं फुल ऑन प्रार्थनावां करांगा फुल ऑन आराधना करांगा फुल ऑन मैं अपने बीज बोवांगा मैं पूरे तरीके नाल अपनी जान परमेश्वर दी सेवा च लगा देवांगा लेकिन जो जनवरी बीतदा है फरवरी च जो विश्वास ठंडा पैंदा है मार्च च आके थोड़ा होर ठंडा पै गया अप्रैल च थोड़ा होर ठंडा पै गया मई च थोड़ा होर ठंडा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर च आके गिर जाता है हरे रिया और अक्टूबर तो बाद जो नवंबर आता है और जो दिसंबर आता है तो सोचता छठ पर महीने तो दो रह गए मैं अगले साल ते एग्जाम क्रैक करांगा मैं अगले साल डॉक्टर बनांगा मैं अगले साल अच्छी एडमिशन लवांगा मैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करांगा मैं अगले साल तो पैसा जोड़ना शुरू करांगा मैं अगले साल तो आज्ञाकारिता दे नाल मैं अगले साल तो फिटनेस दे द्वारा इस साल शुरू करांगा साल के शुरू होने तो पहला असीं सारे कमिटमेंट ते करदे आ लेकिन कमिटमेंट बरकरार रहना साडे लई बहुत कठिन है कमिटमेंट ते बरकरार रहना साडे लई बहुत औखा हो जांदा है क्योंकि जदों असीं आंधियां नूं आंदे देखदे आं जदों असीं तूफानां नूं आंदे देखदे आं जदों असीं विगड़े हालातां नूं देखदे आं जदों घर विच कला कलेशां नूं देखदे आं जदों अपनी आर्थिक स्थिति नूं देखदे आं जदों अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन नूं देखदे आं साडा मन डोल जांदा है विश्वास टुट जांदा है कि छड्डो पाणा हुण तां नहीं हो सकदा गर्मी बहुत पै रही है मेरा ते खून पानी कोई होया मेरे कोल नहीं बाते जाया जाना मेरे को 12 बजे शिखर दोपहर प्रभु दे भवन च नहीं जाया जाना मैं जो मौसम मिठा होएगा उदो जावांगा लेकिन जो मौसम मिठा होंदा है ते असी की सोचदे आ कि छठ पर एक काम कर लेंदे आ नवे साल तो असी रेगुलर प्रभु दे भवन च जावांगे बाइबल नु शुरुआत करांगे इस साल जे असी रोज दे 5 पेज भी पढ़ांगे ते जनवरी तो लेके अगस्त तक असी आराम दे नाल बाइबल नु खत्म करांगे पढ़ांगे प्रकाशना नु प्राप्त करांगे लेकिन जो असी दूसरे कामां वल जांदे आ जो स्कूल दी पढ़ाई आंदी है जदों एग्जाम दी पढ़ाई आंदी है ते साडा बाइबल पढ़ना साइड ते ही रह जांदा है असीं तां होरां कम्मां च बिजी हो जांदे आं असीं प्रार्थनावां करदे रह जांदे आं कि प्रभु तू मेरे इस परिवार वाले दा जीवन बदल दे तू मेरे आ प्यार करन वाले दा जीवन बदल दे तू मेरी पत्नी दा जीवन बदल दे तू मेरे पति दा जीवन बदल दे मेरे बच्चे दा जीवन बदल दे और प्रभु सोचदे कि जिहड़ियां तू कमिटमेंटां कीतियां सी ओहनूं जे तू पूरा करदा ते तेरी कहन दी वी लोड़ नहीं सी पैनी इह सारियां चीजां तां मैं आप ही कर देनिया से हालेलुया हालेलुया की विश्वासी किधर समान एक मुर्गे दे समान मुर्गा किन्नी उच्चे उठ जाता है एक फुट उच्चे उठ जाएगा दो फुट उच्चे उठ जाएगा या जिन्हें सिखाएगा वह तो वह 3 फुट पर छलांग लगा लेगा लेकिन बाद चो किथे आ जाता है जमीन पे हालेलुया इस तरह नहीं बनना आज विश्वासी मुर्गा बनया और मुर्गा किधर काम आता है वट के दे खान दे काम आता है पार्टियां च और ओदी हड्डियां नूं फेंक दिता जांदा है ओदी हड्डियां भी नहीं बचदियां ओ भी असी गली च सुट दिंदे आ कि डॉग आके खा लैंदे ने कमिटमेंट ते कीती उडारी भी लै लई लेकिन जदों हालात देखे फिर गिर गए मैं साल बाइबल खत्म करांगा कमिटमेंट कीती नवे नवे प्रकाशन भी मिले
और बाइबल चाह भी लिखा कि तू हालातों को देख के नहीं डरना, लेकिन फिर भी मैं तो इंसान हाँ जी, मैं तो गिर गया जी, पास्टर जी मजबूरी नु समझिया करो, मैं नहीं आ सकता, नहीं आया चंगा। कितों आशीष मिलेगी, किस तरह चंगाइयां मिलनगियां, किस तरह चमत्कार मिलनगे, जैसी मुझे नहीं मानता। लेकिन मैं तुम्हें दस देवा, बाइबल विच लिखा गया कि वह सानू उकाब दी मानिंद जवानी देगा। और तुम देखेगा कि उकाब जी एक बार उडारी ले लवे ते पता नहीं किन्ने किन्ने दिन हवा च ही रहता, हाले लोइया, फिर थले नहीं आता। क्या किसी ने सुनिया कि किसी ने उकाब दा मीट खादा होवे? नहीं, खा ही नहीं सकते, क्योंकि जे खावांगे मर जावांगे। कारण इन्फेक्शन होंदा है, बहुत ज्यादा गर्म होंदा है। लेकिन मुर्गे ते हर कोई चावां दे नाल, कोई रोस्टेड बना के खांदा, कोई क्रीम बना के खांदा, कोई कढ़ाई बना के खांदा, कोई पकौड़े कट के खांदा, लेकिन कोई भी उकाब दा मीट नहीं खांदा। कारण पहली गल ते उकाब इंसानां दे हाथ च नहीं आंदा, जे आ भी जाए ते इंसान उसनू खा नहीं सकदा। हालेलुया, ए नवा साल है 2022, 2019 च बहुतिया ने कमिटमेंट की होगी, 18 च बहुतिया ने कमिटमेंट की होगी कि इस साल मैं करांगा, उस साल मैं करांगा, 2020 विच भी बहुत कमिटमेंट की होगी, लेकिन फिर वही हाल, किदा हाल, मुर्गियां वाला हाल। 2021 भी लंघ गया, हुण 2022 आ गया, हुण अज दुनिया के कोने कोने विच बहुत जगह से लोग कमिटमेंट करेंगे, अपने इस साल के ड्रीम्स लिखेंगे, अपने एम्बिशंस लिखेंगे, अपने पैशन लिखेंगे कि मैं इस साल ए करांगा, इस साल मैं इन्ना वेट लॉस करांगा, इस साल मैं पढ़ाई विच इन्ने परसेंटेज लेके आऊंगा, इस साल मैं सेवा च इन्ने लोगों नू टारगेट रखांगा कि मैं इन्ने लोगों नू सुसमाचार सुनावां, इस साल मैं प्रभु दे इन्ने प्रकाशन सिखांगा, मैं इन्नी बाइबल पढ़ांगा, मैं 2 वारी बाइबल खत्म करांगा, मैं 3 वारी बाइबल खत्म करांगा, मैं कोशिश करांगा मैं 4-5 महीने विच बाइबल खत्म करा। लेकिन जो समा बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, इंसान फिर उठी थले गिर जाएगा। अरे रे, कारण असी सब कौन मुर्गे बनी बैठे हैं, लेकिन प्रभु सानू उकाब बनाना चाहता है। अरे रे, असी वचन वाल जाने हैं, लुका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, लुका रचित सुसमाचार Chapter 13, लुका Chapter 13, यस पढ़ांगे। फर्स्ट हर समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। एक एक करके बोलो हालेलुया। एक समय सी लोग यीशु मसीह के कोल आ गए और कुछ लोगों का बलि, कुछ लोगों नु मारिया सी पिलातुस ने, और ओदे बारे चर्चा करन लग पए। कुछ भी हो सकता है, किसी तरह भी उन्हें मारिया होगा, किसी ने कोई अपराध किया होगा, किसी ने कोई कानून तोड़िया होगा, या कि वैसे ही किसी के कारण दोषी ठहराया होगा ते मरवा दिता गया होगा। आगे की लिखा, यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? हालेलुया। फिर यीशु मसीह की उत्तर देंदे ने लोकां नू कि तुसी सोचदे हो कि जेड़े गलीली पिलातुस ने मार दिते, जिन्हां दा बलिदान दे दिता, और जेड़े तुसी लागे खलोते हो, या जेड़े बाकी दे गलीली रह गए ने, उन्हां नालों अधिक पापी सी, या तुसी उन्हां नालों कोई ज्यादा चंगे सी, तुसी कोई बहुत शहनशाह लगे हुए सी, या तुसी बहुत पवित्र हो, तुसी दुध दे तुले हुए हो जो तुसी इत्थे जीवित खड़े हो। हालेलुया। और जेड़े लोग पिलातुस ने मार दिते, क्या वह तुहाडे नालों अधिक पापी सी? हालेलुया। क्या वह तुहाडे नालों ज्यादा माड़े काम करते सी? क्या वह तुहाडे नालों ज्यादा हेराफेरी करते सी? क्या वह तुहाडे नालों ज्यादा परमेश्वर की निंदा करते सी? क्या वह तुहाडे नालों ज्यादा परमेश्वर के हुक्म और कानून तोड़ते सी? अगे की बोलदा है कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी, कि उन्हां ते ऐसी विपत्ति पै गई कि उन्हां नूं पिलातुस ने मार दिता। और क्या तुसी बिल्कुल प्योर हो, तुसी परफेक्ट हो? मैं तुहानू दस दवा, दुनिया ते परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा नू छड्ड के कोई भी परफेक्ट है नहीं है, ना मैं ना तुसी ना दुनिया ते कोई भी छड्ड। हालेलुया, हालेलुया, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह भी यह बोल रहे हैं, तुसी की सोच रहे हो तुसी परफेक्ट हो, जो तुसी बच गए हो ते ओ लोग मर गए ने,
या ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਿਤ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੀਵਿਤ ਖੜੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਯਦੀ ਤੁਮ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਓਗੇ ਜੀ ਤੋ ਤੁਮ ਸਭ ਵੀ ਇਸੀ ਰੀਤੀ ਸੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ बहुत सी हमें पत्तियां आ जाएंगी एक्सीडेंट आदि भी शिकार हो जाओगे दुष्ट आत्मावां भी ला जाएंगी की ना करोगे जे मन ना फिराओगे अगे या क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शीलों का गुमट गिरा और वह दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे हालेलुया हालेलुया जिन्ना 18 लोग ते शीलों दा गुमट गिरा या हो सकता कि कोई 18 20 जन दा खलोते होन या 50 और खलोते होन लेकिन शिलोह दा गुमट उपर गिरिया और 18 लोग मर गए और यीशु मसीह बोलदे ने कि जेडे 18 जाने दे उत्ते शिलोह दा गुमट बनया क्या बाकी यरूशलेम दे लोग ओ वाले यरूशलेम दे लोकां नालो सही सन हालेलुया तुसी सही सी उहनां नालो या ओ गलत सी तुहाडे नालो ज्यादा नहीं अगे की बोलदे यीशु मसीह मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे वो भी इसी करके गए क्योंकि उन्होंने भी मन नहीं सी फिराया हालेलुया लोग जो मर्जी कहंदे रहे तुसी ईसाई बन गए तुसी धर्म परिवर्तन कर लिता नहीं मेरा नाम भी वही है मेरी वही जात है हालांकि मैं जात पे विश्वास नहीं करता मेरे नाम के पीछे कास्ट भी वही लगती है लेकिन कुछ भी नहीं बदला मेरा केवल मन बदलिया हालेलुया मेरा मन फिर गया जो मैं पाप करता थी जो मैं बदकारियां करता थी जो मैं महकशियां दे जाप पींदा थी जो मैं लुच्चे काम करता थी जो मैं हेरा फेरियां करता थी सब कुछ बदल गया किने नाल बदलिया मेरा मन जे बदल गया हालेलुया और मेरा मन बदल गया ते परमेश्वर ने मनु बचा लेता हालेलुया और मेरा मन बदलिया परमेश्वर ने मनु बचाया ताही करके आज तुसी भी मैं भी मेरे परिवार वाले भी और थोड़े परिवार वाले भी 2022 आनंद दे नाल देख रहे हैं हालेलुया और लोग जो कोरोना दे शिकार हो गए साडे नालों माड़े सन नहीं ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿ ਕਮੰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸੈਪ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਬਣਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾਏ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ बार बार एक माँ बाप अपने बच्चे नु मौका देंदे ने कि ये गलती तो सुधार कर ले नहीं ते अगे जाके दिक्कत होएगी जदों 15-16 साल च जांदा है ते कहंदे ने तेरे करियर दे 3-4 साल बहुत इंपोर्टेंट ने इस विच पढ़ाई कर ले इस विच फ्रेंड्स नु छड़ दे ए जे तू 3-4 साल अपनी जिंदगी दे कुर्बान कर दिते तू डेडिकेट कर दिते ते आन वाले 30-40 साल तेरी जिंदगी दे बहुत अच्छे बीतेंगे अच्छी जॉब मिलेगी अच्छा जगह ते तेरी शादी होएगी अच्छा परिवार मिलेगा अच्छे तेरे कानू जदों बच्चे होंगे तो तू एक अच्छा
ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਉਹ 20, 21, 22, 24, 25 ਜਾਂ 30, 35 ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਲ ਸਟਰਗਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਏ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ, ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ? ਮਤੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ 12 ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 400 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਕੇਵਲ 12 ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? 12 ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਏ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਆਗਿਆ? ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਲਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਲਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੇੜ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੇੜ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪੇੜ ਹਾਂ, ਗੁਲਾੜੀ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੜ ਤੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਲਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈਰ ਆਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਚ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੀ 3rd ਪੁਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2nd ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਕ ਹੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜੈਸਾ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਨ
मेरा नाम उदित है, जे मैं कहां कि मेरा नाम ऋषभ है, लोग तुसी लोग ते समझ आंगे, लेकिन जिन्हें मैं जानते हो कहेंगे तू तो झूठ बोलने वा, तेरा नाम ते उदित है, ऋषभ ते ओ भाई पिछे बैठे है, उन्हां दा नाम है। मेरा जैसा फल होगा, मैं जे ढोलक बजाना, जे मैं प्रभु की आराधना साज बजा बजा के करता वा, हर एक साज जे मैं बजा लेना ते मेरा एक भी फल है। हालेलुया। मेरी बुलाहट अलग, मेरा फल अलग, सब का फल अलग है, लेकिन यह मायने नहीं रखता कि केड़ा फल किधर से लगा है, लेकिन मायने से गल रखती है कि वह फल ताजा होना चाहिए और फल होना चाहिए। बिना फल तो पेड़ जड़े हो गए, अगे पढ़ा उन्होंने की होना है अगे। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ जी। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया जी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल के ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अगले वाली होगा, हाले मिल गया, यहाँ फर्नीचर बना दे काम आ जाएगा। एक दृष्टांत देके प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया कि किसी एक मनुख की बारी च की लगा अंजीर दा पेड़, एक पैली ला लो या क्यारी ला लो, अंजीर दा पेड़, और मान लो चुकड़ाओ इथे हो, ये मैं रखे है माली, मैं क्या है तू है पेड़ ला और इसका ध्यान रखना, मेहनत कर देते और एक ही कर रहा है, मेहनत कर भी रहा, लेकिन जो जेड़ा पेड़ है वो कोई फल नहीं दे रहा। और मैं आके की कह रहा वा कि भाई 3 साल हो गए मैं रोज आना वा और देखता वा, फल ते कोई भी नहीं लगा होता। उन्हें भी कहावत सुनी होगी सब ने कि तू एवं की घेरी है, जगह ही घेरी हो, पिछे हो साइड से हो लंघ लैन दे, या समान जरा वेस्ट ने भी जगह घेरी है, चुके सुट मारा बारियां वेच दे। मैं तू कह रहा कि तू देख, मैं 3 साल तो लगातार आ रहा वा, कोई भी फल नहीं लगा, तू एक काम कर, तू इन कट दे। उन्हें क्यों एक ही कह रहा, ठहर जा मालिक, 1 साल होर वेख लैन दे, जे तो फल लगे आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आप की करांगा कट दवा। और दरख्त कौन है? असी याद दरख्त, यीशु मसीह दे रोज साड़ी गोडी कर रहे ने, सानू चंगीआं धुप्पां भी लवा रहे ने, खाद भी दे रहे ने, पानी भी दे रहे ने, साढ़े से डिपेंड करता है कि असि फल लगे आ रहे हा या नहीं लगे आ रहे। पाप ते दुनिया ते बहुत ज्यादा फैल चुका और परमेश्वर ने टोका भी इतने रख चुके ने, ये मत सोचो नहीं रखा गया, थोड़े भी रखा गया, मेरे भी रखा गया, इस पृथ्वी पर टोका रखा जा चुका है। हालेलुया। लेकिन एक कुर्बानी ने उस टोके नु हाले तक होल्ड ते रखा है। हालेलुया। और कुर्बानी केड़ी? जदो अज तो कुछ साल पहला, किन्ने साल, 2000 किन्ने होंगे, 21 चल रहे, 2000 साल लगा लो, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिता। एक बने टोका रखा गया, लेकिन दूसरे बने गोडी भी चल रही है। हालेलुया। साडे पैदा होने तो पहला ही यीशु मसीह नूं पता सी कि मनुखा ने केड़े केड़े काम करने ने, केड़े केड़े पाप करने ने, केड़ी केड़ी इन्हें बदिया करनिया ने, वो तो पहला ही उन्हें बाइबल में लिख दिया। सानू तो किसी को भी एक्सपीरियंस लैन की लोड़ ही नहीं पई, सानू तो कोई भी गुरु रखने की लोड़ ही नहीं पई, क्योंकि साडा सब तो वड्डा गुरु तो प्रभु यीशु मसीह है, जो साडे जिंदगी दे आने वाले फ्यूचर दी गल्लां भी पहला ही इस बाइबल में लिखवा गया ते लिख गया। हालेलुया। और उन्हें भी पता थी कि परमेश्वर ने ओ कुल्हाड़े दा टोका मनुखा दी जड़ ते रख चुका है, क्योंकि पाप दा कड़ा दा बहुत ज्यादा पड़ चुका है। रोमियों 1 अध्याय सारा पढ़ लो, 2 अध्याय सारा पढ़ लो, और इस किदा होया कि प्रभु यीशु मसीह जे अपना बलिदान ना देता ते टोका ते साडे ते कदों दा बच चुका सी, और असी कदों दे अग दे हवाले कर दिते गए सा। लेकिन प्रभु दा धन्नवाद जिन्ना करिए उन्ना थोड़ा, प्रभु ने सानू उस टोके तो बचा लिया। लेकिन एक गल हो रहा है,
अंत च की लिखा कि हे स्वामी एक साल परमेश्वर दे रहा कि मैं अपने पापा तो मैं गल कड़न तो मैं पाप करन तो अज तक जो भी मैं निंदा करदा वा ये सारे पाप गुनाह बदिया मैं छड़ दवा लेकिन लोग फिर भी नहीं छड़ रहे। पाप ता दुनिया ते बहुत तेजी रीति दे नाल फैल रहा है लेकिन प्रभु दा अनुग्रह भी ओनी तेजी रीति नाल फैल रहा है। लेकिन एक साल ओ साल असि नहीं जानते केड़ा साल होएगा लेकिन ओ साल विच भी जे असि फल ना लेके आवांगे ते फिर सानू उस टोके तो कोई भी नहीं बचाएगा। हालेलुया। फिर ता साडे पीस होंगे या रेक्टेंगुलर पीस होंगे या असि आरे विच गोल गोल जिहड़ियां लकड़ां होंदियां ओह बनांगियां या फिर असि बालन दे काम आवनगियां या फिर असि फर्नीचर बनन दे काम आवनगियां लेकिन प्रभु सानू फर्नीचर बनन जोगा भी नहीं छड्डेगा ओह ता केवल सानू अग दे हवाले करेगा। हालेलुया। की क्या मालिक की कह रहा है माली नू कि एक साल हो गए बहुत साल हो जाते ने लोगों नू प्रभु च चलदे चलदे लेकिन फल वैसा नहीं आते। पांच साल साल दो साल तीन साल चार पांच छे एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी चार पीढ़ी जेडे जद्दी क्रिश्चियन मान जाते हैं। हालेलुया। जद्दी पुश्तैनी क्रिश्चियन और एक जेड़ा प्रभु विच गैर कौम दा क्रिश्चियन आया हुए। हालेलुया। जेड़ा गैर कौम दा होवे गैर यहूदी होवे और जेड़ा अन्य जाति होवे दोनों दे मसीह प्रेम च बहुत ज्यादा अंतर होगा। हालेलुया। गैर कौम वाला समझ जाएगा कि यीशु मसीह की कुर्बानी मेरे लिए बड़ी मायने रखती है और जेड़ा जदी पुष्टि होगा ओदे लिए ते आम ही करेगी। मैं ते जी एक्सपीरियंस का जी मैं ते सब कुछ जान ही गया वा जी मेनू हुन जानन दी की लोड़ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु दा सी जिन्ना धन्यवाद करिए कि एक बंदे दा टोका रखा गया लेकिन दूसरे बंदे गोडी भी चल रही है। असी टोके वाल ध्यान नहीं देना असी ते गोडी वाल ध्यान देना कि यीशु मसीह किस तरह वचना दे द्वारा दृष्टांतां दे द्वारा साडियां पालना पोषणा कर रहा है। यीशु मसीह ने जो अगे चेले भेजे चेलिया ने जो अगे चेले बनाए उन्होंने अगे चेले बनाए ताकि लोगों नू बचा लो पाप तो बचा लो और शैतान दे चंगुल तो बचा लो कि ऐसा ना हो कि अंतिम समा आ जाए क्यामत आ जाए और जिहड़ियां विपत्तियां बाइबल दे विच प्रकाशित वाक्य च लिखे है असि भी उन्हां दा शिकार हो जाइए। वचन च लिखा हां उन्हां मावां ते जिहड़े उस महाकलेश दे सालां विच पुत्र नूं जन्म दे गिया और तन होणगे ओह जिहड़े इह विपत्तियां वेखण तों पहलां ही प्रभु दे विच उठाए जाणगे। हालेलुया। बहुत से मौके मिल रहे ने बहुत से मौके मिल रहे ने एक होर मौका प्रभु ने तुहानूं भी मैनूं भी और जिन्हें भी बाकी दुनिया दे लोग ने जो जीवित ने उन्हां नूं लेकिन असि तीन साल ही जीवित हाले लुई सो मैं फिर हूं कुहाड़े वाल ज्यादा ध्यान दवा कि मैं गोडी वाल ध्यान दवा। हाले लुई गोडी कौन कर रहा सा ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਜਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਮਿਸ ਕਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੈਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਆਏ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਪੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਾਬਰੇ ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਡਗਮਗਾਏ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਟੈਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। 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 ਇਹਦਾ ਸੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਚਨ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਮਾਲੀ अंजीर दा पेड़ बस और तीन वर्ष हो गए कोई फल नहीं लगा एक वर्ष होर जेड़ा ओ माली ने लेके उस पेड़ नू बचा लिता लेकिन जे उस वर्ष भी ओ अंजीर दा पेड़ फल ना लंदा ते माली खुद कहंदा है कि ठीक है एस वाली जे लाया ते लाया नहीं ते फिर
और ऐसा सोच के देखिए जो संसार थे अंतिम समय चल रहे असी वो आखिरी बच्ची है। जेड़ा फल ले आया जेड़ा ते बच गया नहीं ते टोका फिर तो कोई भी नहीं बचाएगा सीधा ही अग दे हवाले कीते जाएंगे। हालेलुया। टोका लोहे नालों भी बहुत भयंकर है, टोका आरे नालों भी बहुत ज्यादा भयंकर है, कुल्हाड़ी आम कुल्हाड़ियां नालों भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप कुहाड़ी नु ते डोक लोगे लेकिन वो कुहाड़ी जे एक बारी इस तरह चल गई तो ओदा कोई भी अंडू बटन नहीं होएगा कि असि दोबारा तो स्टेप ले आईए। हालेलुया। सो प्रभु तुम सब दे अखा बंद कर